प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो नाइट रिचुअल्स करते हैं उसमें सेवन स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और जो सेवन स्टेप प्रोसेस है बहुत ही आसान है, हम सबको पता है क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी ग्रेटिट्यूड बुक को निकालना है और पूरे दिन जो जो चीज है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। और मान लो कोई चीज ऐसी है कि जो टारगेट किया था, मेहनत की थी, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आया या तो पाइपलाइन में, तो क्या करेंगे हम लोग, डबल ग्रेटिट्यूड करेंगे, डबल थैंक यू बोलेंगे गॉड को, परमपिता को, जिन जिसके भी ऊपर आप बिलीव करते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, डबल ग्रेटिट्यूड करेंगे। मान लो कोई काम है अटका हुआ है तो क्या करना है, डबल ग्रेटिट्यूड बोलना है। और ग्रेटिट्यूड किसके लिए बोलेंगे, HRCM हेल्थ के लिए बोलेंगे, हमारे हमारे फैमिली के लिए, पड़ोसी के लिए, रिलेटिव के लिए, देन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद द सेल्फ, रिलेशनशिप विद द फैमिली, रिलेशन विद द सोल, गॉड, नेबर, फैमिली, सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड। और उसके बाद में करियर के लिए आप ग्रेटिट्यूड करना है। आज जो भी पैसे कमाए, जो भी अर्निंग किया, हो सकता है कैश हाथ में ना आया हो, बट आपने जो सेल्स प्रोसेस की उसमें भी जो भी प्रोग्रेस हुआ है, लेट से कि नंबर मिले क्लाइंट के, उनसे बात हुई है, मीटिंग फिक्स हुई है, उस सब के लिए हमें क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। और देन मनी, मनी के लिए तो बहुत क्लियर है कि जो माँ लक्ष्मी है उनका स्वागत हर लोगों को करना चाहिए, अपने घर में, अपने जीवन में, अपनी सोसाइटी में, देश में। तो हम मनी के बारे में भी रिचुअल्स करेंगे, और आज हम बात करने वाले हैं, कल जैसे मैंने बात किया था कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है, हमारा पर्सनालिटी टाइप है, वो बताता है कि हम वॉरियर है, सेवर है, स्पेंडर है। हमारी वो पर्सनालिटी को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि हमारी जो चाइल्डहुड की बिलीफ है उसी हिसाब से हमने वो आइडेंटिफिकेशन किया, या रिबेलियस है। तो हमें देखना होगा कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, हाउ वी डील विथ मनी, बरोबर है, जो फिजिकल मनी है, और मनी को कैसे रखना है, उसका कल पूरा सेशन भी हम लोगों ने लिया था, तो उसको पालन करना है। उसके बाद में क्या करना है, अफर्मेशन, जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि आप अफर्मेशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो आपकी जिंदगी में चाहते हैं, बट जो लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता है कि अगर आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम भेजते हैं, और आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भेजते हैं, तो आपका एस्ट्रो न्यूमरो चार्ट भेजता है, और वहां पे आपके मिसिंग नंबर और एक्सेसिव नंबर के हिसाब से आपको अफर्मेशन मिल जाते हैं। वो अफर्मेशन को आपको रेगुलरली करना है, और उतना ही नहीं, उसके साथ जितना ज्यादा अफर्मेशन करोगे, जो भी आपकी चाहत है वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा है उतना ही अफर्मेशन करना है, क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग है, बट अफर्मेशन वो चीज है जो आप फ्यूचर में चाहते हो और प्रेजेंट टेंस में उसको बोलने की आप कोशिश करते हो। उसके बाद में क्या आता है, होपोनोपोनो आता है। होपोनोपोनो एक एनर्जी रिलीज की प्रोसेस है, जब हम जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आने के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते हैं। ये जो है ओरिजिनेटर जो है मारिया सिमोहा, उनका 14 स्टेप होपोनोपोनो का लास्ट स्टेप है, वो भी अमेजिंग रिजल्ट देता है। और जो एंटायर प्रोसेस है जिसे एंसेस्टर लिनियज हीलिंग बोलते हैं, वो प्रोसेस हम अमास अमास को करते हैं, यानी कि नो मून के दिन करते हैं। तो मेरा सबको रिक्वेस्ट है कि आप अमास यानी कि नो मून के दिन आप जरूर सेशन करें, अटेंड करें। जूम में लिंक में जूम की लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर, अमास के उस स्पेशल सेशन के लिए, क्योंकि पूरे साल में 12 बार ही हम कर पाते हैं, महीने में एक ही बार वो सेशन होता है। तो सेशन के हिसाब से आप शेड्यूल कर लीजिए, शाम को 8 से 10 हम लोग करते हैं। और उसके बाद में क्या आता है, EFT आता है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जहाँ पे हमारी जो बॉडी में मरमा पॉइंट यानी कि मेरिडियन पॉइंट है उसको ठीक करने के लिए हम एनर्जी पॉइंट करते हैं। तो वो हमें टैप करना है हमारे सर के हेड पे, दो साइड में आँख के नीचे, नोज के नीचे, दाढ़ी पे, कॉलर बोन पे, अंडर आर्म पे, कराटे चौक पॉइंट पे, हमारे नाखून पे, सारे नाखून पे हमें टैपिंग करना होता है। और EFT में बेसिकली हम जो स्टेट ऑफ इंटेंसिटी है वो घटाने के प्रॉब्लम करते हैं, जो भी बर्निंग इश्यू है उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पहले उस प्रॉब्लम को बोलते हैं और बाद में रिलीजिंग स्टेटमेंट को बोलते हैं। कि लेट से यहाँ पे रोहित भाई है, उन्होंने टारगेट किया था कि आज तो 50,000 का मुझे सेल करना है, और मान लो 25,000 का हुआ, तो राधर देन फील गिल्टी कि मेरा 50,000 का टारगेट था, आज 25,000 का सेल हुआ, वो बोलेंगे कि मैंने मेहनत किया था, थैंक यू गॉड, मैंने आज मेहनत किया, मैंने पूरी जी जान लगा के कोशिश की और मेरा सेल 25,000 का हुआ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ।
यहाँ पे क्या होगा जब आप ये बोलते हैं कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रिलीजिंग स्टेटमेंट या तो सेटलिंग स्टेटमेंट जब बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, टैपिंग करना है दोबारा और अपने सर प्रॉब्लम, ये सोने से पहले भी तो कर सकते हैं। हाँ सोने से पहले कर सकते हो, सुबह में भी कर सकते हो, इसको जब भी आप फ्री हो पूरे दिन में तभी करो। होपोनोपोनो ईएफटी जो है या मंत्र चैंटिंग है वो आप कभी भी कर सकते हो, हाँ जब हम टॉयलेट बाथरूम में होते तब भी कर सकते। सर क्लियर है? रोहित भैया जब अगर बैकग्राउंड में आवाज आती है ओके तो आप कोशिश करें आपका आवाज जो म्यूट रखो, जब आपको बोलना होता है तभी रखो, क्योंकि यूट्यूब पे सारी फैमिली की भी आवाज जाएगी, तो उतना थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर में जो भी शोर शराबा होता है वो पूरी दुनिया को दिखेगा, समझ रहे हैं आप? तो जब आपको बोलना होता है तब उनको चुप करके बोल लीजिए ताकि काम हो जाए, बरोबर है? फैमिली है, अगर घर छोटा है, जॉइंट फैमिली है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 घंटे किसी, आधे घंटे किसी को चुप रखे जाए। अगर सारे लोग अटेंड करते तो फैमिली एक अलग लेवल पे चली जाएगी, तो वो भी आप समझा सकते हो उनको कि अच्छा वो खाना खाना खा रहा था सर, ठीक है ठीक है, कोई बात वो नहीं, कोई भैया बात, अभी आए हैं, लौटी भी कोई चला बात नहीं दिए। रोहित भैया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कंटिन्यू करते हैं, जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीज यूट्यूब पे जा रही है। ओके तो ठीक है वो आप कर लीजिए, उसके बाद में ईएफटी के बाद में हम क्या करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं। गोल सेटिंग क्या है, हमारे आज के 3 गोल समय जी जान लगा के हमने कंप्लीट किया है, और कल के 3 गोल हमें लिख लेने हैं। वैसे गोल के बिना कुछ नहीं होता है, मैंने गोल का एक वीडियो बनाया है, हार्वर्ड की जो एमबीए स्टूडेंट की रिसर्च थी 27 साल, उनका डिटेल भी दिया हुआ है कि जिन लोगों ने गोल क्लियर क्रिस्टल लिखे हुए थे वो कई गुना पैसे बना रहे हैं या तो लाइफ में सक्सेस है, कंपेयर टू द पीपल जिनके पास गोल थे। और कुछ लोगों का था कि लाइफ में चलो एग्जाम देते हैं पास होते हैं बाद में सोचेंगे, उनसे जिनके पास गोल थे थोड़े कि हाँ मुझे पास आउट होके जॉब करना है बिजनेस करना है, वो 10 से 12 गुना पैसा बना रहा था। और जिन लोगों ने लिखा था कि नहीं मैं जैसे अवार्ड क्लियर करूंगा, मैं फलाना बिजनेस करूंगा या नौकरी करूंगा, 5 साल के बाद ये करूंगा, 10 साल के बाद ये करूंगा, 20 साल के बाद ये करूंगा, वो जो और जो लोग थे जिनके पास कोई लाइफ का गोल नहीं था उनसे कहीं हजारों गुना पैसा कमा रहे थे। तो हमारे पास जो गोल होने चाहिए, हमारे लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए, लाइफ के गोल होने चाहिए कि जिंदा रहने के वक्त हम कितने अचीवमेंट करने वाले हमारे लाइफ के लिए, उसी हिसाब से हम लोगों को 20 साल 10 साल के भी गोल रखने हैं, 5 साल के भी गोल रखने हैं, और 5 साल से कम जो टाइम है यानी कि शॉर्ट टर्म गोल है, 3 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, क्वार्टर का और मंथ का, और ये वीक का भी टारगेट हमारे पास लिखा होना होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास वीकली मंथली और डेली टारगेट होने चाहिए, और कल के टारगेट तो आज लिखना है और प्रेयर करना है। तो 3 गोल आप लिख लीजिए और मुझे पोस्ट कर दीजिए, हम लोग गोल शीट की एक सीक्वेंस डालते हैं, हम देखते हैं कि हम भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ सालों के बाद पता चलेगा दुनिया को कि अगर हमने गोल लिखे हैं उस पर इम्प्लीमेंट किया है तो हमने क्या ग्रोथ किया, तो बाकी लोगों के लिए एक ये एग्जाम्पल सेट होगा। इसके बाद में क्या करते हैं, हम वाटर बॉटल प्रोग्रामिंग करते हैं, हम वाटर की बॉटल लेते हैं हाथ में, लेते हैं पानी भरते हैं और फिर हम प्रेयर करते हैं, अफर्मेशन देते हैं, और जो भी हायर पावर में बिलीव करते हो वो कर सकते हैं आप, और अगर आप सनातन धर्म में बिलीव करते हो तो आप गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी उनको भी प्रे कर सकते हैं, और जो सुप्रीम पावर है उनको प्रे कर सकते हैं कि ये पानी में आप विराजमान हुई है और इसको जब मैं ग्रहण करूंगा तो मेरे मन मंदिर को शुद्ध करने के लिए, मेरे लाइफ में जो भी डिवाइन पाथ आपने प्लान किया है उसके हिसाब से चलने के लिए मुझे स्ट्रेंथ दे, मुझे सद्बुद्धि दे, ये प्रोग्रामिंग करना है। और जब भी वो पानी, मान लो अब 500 ग्राम या लीटर की बॉटल है वो खत्म होता है तो उसमें और पानी डालिए, बट जब नया पानी डालते हैं तो फिर से एक बार प्रेयर कर लीजिए। इस हिसाब से दिन में 5 से 7 बार आपकी ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स द जिंदगी, और जो वाटर मोलिक्यूल है उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाएगी, तो हमारे सेल में हो जाएंगे, सेल के अंदर या बॉडी के अंदर जाएंगे तो वहां पे भी 70% उनका अस्तित्व है, तो हमारी पूरी बॉडी जो रिज्यूनेट हो जाएगी, नए लेवल की तौर पे जाएगी। और उसके बाद में अगर आपको आपके बर्थ चार्ट के बारे में मालूम है, अगर जो लोग नए हैं यूट्यूब में वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको एक फॉर्म मिलेगा डिवाइन पाथ का, उस गूगल शीट गूगल फॉर्म पे आप अपने डिटेल भर दीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस फॉर्म के डिटेल के हिसाब से मैं आपका डिवाइन पाथ का रिपोर्ट बना के भेज दूंगा जिसे एस्ट्रो न्यूमरो चार्ट बोलते हैं, और उसको देख के आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से भगवान के कौन से फॉर्म को याद करना है, प्रे करना है, बिकॉज
और सनातन धर्म में 27 नक्षत्र होते थे, हर नक्षत्र के 4 पद होते थे और एक पद के एक लॉर्ड होते थे। पर इसलिए 27/4 यानी कि 108 की माला हम जो करते हैं वो एक पर्पस था, क्योंकि 108 को हम सम करते तो 9 आते हैं, दैट इज द 9 प्लेनेट। और हम जो मोबाइल नंबर या जो भी आज की तारीख में यूज करते हैं या जो भी मैथमेटिकल मॉडल्स भी यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो 0 to 1 and 9 के बीच में ही है। तो वही फॉर्मूला हमारी लाइफ को काफी मूव करती है। देयर आर न्यूमरियस रिपोर्ट आर देयर, आप गूगल करेंगे यूट्यूब करेंगे तो पता चलेगा। कई लोग ऐसे भी होते कि हम उसमें नहीं मानते, कोई बात नहीं, आपने इलेक्ट्रिसिटी देखी नहीं है ना, उंगली डाल दीजिए प्लग में, समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। रहते हैं तो हम उनके साथ बहस में नहीं जाते हैं, बट इट इज देयर कि देयर इज अ डिवाइन साइंस इज देयर और हम उसको बिलीव करते हैं। ओके, लोग भगवान को मानने वाले भी नहीं होते तो हमें उनके साथ बहस में नहीं जाना है। जो बिलीव करते हैं कि ये मूर्ति है, इसमें भगवान है, उनके लिए वो भगवान है। तो ये चीज कर लेते हैं। तो आपको वो चार्ट नहीं पता है तो मैं भेज दूंगा आप लोगों को, जिनको मैंने एस्ट्रोलॉजिकल का चार्ट भेजा है वहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि आपका लगन कौन सा है। जो लगन है यानी कि आपकी जो एसेंडेंस है उसका जो जो लॉर्ड है वो भी आपका एक प्रेइंग गॉड या तो सुप्रीम पावर हो सकता है। आज मैंने ये प्रोसेस प्रैक्टिकली ना करके आपको सिर्फ डिस्क्राइब किया है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आज बात करने वाला हूँ आने वाली एक इवेंट के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो इवेंट। क्योंकि हमें भी पता है कि हम जो है अभी जो है मूव कर रहे हैं टुवर्ड पूर्णिमा। पूर्णिमा आने वाली है और इस माह की जो पूर्णिमा है वो अभी 22 तारीख को शुरुआत होने वाली है। और वो पूर्णिमा जो है हमें उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। जो पूर्णिमा स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में मैं अगर बात करूं तो वो 22 तारीख को शाम को स्टार्ट होती है और 23 तारीख शाम को वो खत्म होने वाली है। तो ये जो पूर्णिमा है उसके उस दिन हम लोग मेडिटेशन करेंगे। तो आज मैं उस पूर्णिमा का क्या इम्पोर्टेंस है वो आप लोगों को बताने की कोशिश करने वाला हूँ। इस बार की जो पूर्णिमा है जिसे हम लोग चैत्र पूर्णिमा बोलते हैं वो स्टार्ट होने वाली है 22 तारीख को। जस्ट होल्ड करिएगा। मैं पंचांग खोल रहा हूँ ताकि एग्जैक्टली डेट मिल जाए, क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट द टाइमिंग। और इस बार की जो पूर्णिमा है अप्रैल की जिसे पूर्णिमा बोलते हैं, तो ये पूर्णिमा जो स्टार्ट होने वाली है ये स्टार्ट होगी, इसमें अभिजीत नक्षत्र जो है उनका मुहूर्त जो है वो 12:11 को स्टार्ट होगा और 13:02 को है, और अमृत काल जो है 15:20 यानी कि 3:02 से 17:06 तक है। तो हम लोग जो 22 तारीख शाम को फुल मून मेडिटेशन करने वाले हैं और इस मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं, तो मैं आज उनके बारे में फुल मून पूर्णिमा जो है उनके बेनिफिट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर हम चैत्र पूर्णिमा की बात करें तो चैत्र जो है एक संस्कृत अर्थ है, उसका मतलब ये है कि जब सूर्य मेष राशि में होता है उच्च का होता है और उसी टाइम में चंद्रमा जो है तुला राशि में होते हैं और बहुत सारे तारों के साथ पूरे उनका ग्रुप बना हुआ आता है, उसे चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और ये जो है अभिव्यक्ति और सर्जन के लिए बहुत ही शक्तिशाली डे है। और इस दिन के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें हमारे दिमाग में जो बहुत सारे विचार आते हैं उनको हमें संतुलित करने के लिए काम करना होता है, और जितना हम मन को संतुलित करने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारी लाइफ में हम चेंज ला सकते हैं। और हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि मेष राशि में जो सूर्य है, सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो जब भी हम अच्छे कार्य काम करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो हमारे जीवन में ये जन्म के साथ साथ आने वाले जीवन की जो भी दिशा है उसको भी हम निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कर्म के संरक्षक है चित्रगुप्त, वो चैत्र पूर्णिमा को एक पवित्र दिन मानते हैं और इस दिन वो बुरे हिसाब बुरे कर्मों जो है उनका हिसाब जो है उसको साइड में रख के उस दिन जो अच्छे कर्मों का हिसाब है वो यमराज को देते हैं। बुरे कर्म तो रहते ही है उनके किताब में, बट उस दिन वो जो हमारी बोलते हैं ना वो डेबिट और पॉजिटिव अकाउंट होता है, तो उस दिन वो डिपोजिट अकाउंट जो है उसके बारे में बताते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा है, उन्होंने सूर्यदेव के माध्यम से चित्रगुप्त की रचना की थी। वैसे तो वो यमदेव जो है उनके छोटे भाई हैं, और ऐसा माना जाता है कि चित्रगुप्त की
जो कृपा होती है, और इसीलिए पूर्णिमा को शुभ दिन माना जाता है। और इस दिन हमें हमारी जो सोल है उनको क्लींस करना होता है, हमें मेडिटेशन करना होता है, और हमें एक अच्छे डिवाइन पर्पस के लिए हमारी लाइफ को जीने के लिए आगे मूव करना होता है। और इस बार जो पूर्णिमा है, जैसे मैंने बताया, 22 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 23 अप्रैल शाम को खत्म हो रहा है। तो हम लोग 22 तारीख को फुल मून मेडिटेशन करेंगे, टिबेटियन जो साउंड बोल होता है, और क्रिस्टल के साथ करेंगे। तो यूट्यूब पे वीडियो हम लोग इसका पब्लिश कर रहे हैं, तो जो लोग चाहते हैं कि वो लाइव मेडिटेशन करें, उनको 22 तारीख शाम को जूम या यूट्यूब पे जुड़ने के लिए हम लोग लिंक दे देंगे। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर हम जो अच्छा काम करते हैं, जो भी हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से फायदे क्या है वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। मेडिटेशन की शुरुआत तो कई सालों से इंडिया में हुई है, बट आप देखो वेस्टर्न वर्ल्ड अभी उसको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट ले रहा है, प्रमोट भी कर रहा है। तो हमें भी करना है, उस दिन करना कुछ नहीं, हमें अपनी सांसों पे फोकस करना है। अगर आपका सवाल है कि मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ और मुझे तरह तरह के विचार आते हैं, तो वहां पे मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन कराने वाला हूँ। और सबसे बढ़िया बात ये है कि इस बार जो पूर्णिमा है उसके दिन ही हनुमान जयंती भी है, तो ये एक बहुत ही बड़ा भाग्यशाली दिन है। आप फास्टिंग कर सकते हो। और अगर हम चैत्र पूर्णिमा की कथा के बारे में बात करें, हमारे जो ग्रंथों में लिखा गया है, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान बृहस्पति जो इंद्र के गुरु है, उनके एक बार इंद्र जी ने इंद्रदेव ने अपनी बात नहीं मानी थी, और इसके सबक सिखाने के स्वरूप ही इंद्र बृहस्पति ने क्या किया था, कुछ टाइम के लिए अपना जो मेंटर का रोल था वो छोड़ दिया था। और जब बृहस्पति उनके साथ नहीं थे एज अ मेंटर, तो इंद्र जी से बहुत ही गलतियां हुई थी। और जब बृहस्पति रिटर्न लौटे, तब इंद्र ने वो सारे जो गलत काम हुए थे या तो जो इल वर्क किया था उनके लिए प्रायश्चित करने के लिए माफी मांगी। तो बृहस्पति ने उनको बुला कि आपको तीर्थाटन करना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा। तो ऐसा माना जाता है कि इंद्र जी ने पृथ्वी की शुरुआत की थी प्रदक्षिणा करने की, और साउथ इंडिया जो है उसमें मदुराई जो है वहां पे उनको लगा कि उनका जो पाप है वो अभी कम हो गए, उनके जो पॉजिटिव नेगेटिव है, जो कर्माज है उसमें नेगेटिव कर्माज अभी क्लींस हो चुके हैं। तो वहीं पे उन्होंने भगवान शिव की आराधना स्टार्ट की, और वहीं पे एक शिवलिंग का ढूंढ के उनका मंदिर बनाया। और ऐसा माना जाता है कि वहां पे ही उन्होंने जब पूजा की तो जो शिव जी है उन्होंने उनपे कृपा की थी। तो हम भी ये मान के चले कि हमसे भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क हो जाते हैं लाइफ में जाने अनजाने। तो हमें करना क्या है कि जो फुल मून है उस दिन हम मेडिटेशन कर सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो देयर आर न्यूमरियस पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि क्यों मेडिटेशन करना चाहिए। आपको मैं एक सीधा सा बात बता दूं, अगर हम एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से भी देखें तो पूनम के दिन क्या होता है, चंद्रमा फुल पूर्ण कला में होता है और शायद अर्थ के नजदीक भी होता है। और उस टाइम जो है उसका अट्रैक्शन जो फोर्स है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए जो नो मून और फुल मून है वहाँ पे ज्वारभाटा यानी कि भर्ती और तेजी और मंदी जो बोलते हैं आप, भर्ती और ओट जो बोलते हैं वही आती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे तो मून इंडिकेटर करके एक इंडिकेटर है, और बहुत बार ऐसा देखा गया कि ये जो इंडिकेटर वो भी रिजल्ट देता है, मतलब जो मास इमोशन है उसको वो कंट्रोल करता है। तो ऐसा माना जाता है वेस्टर्न पार्ट में तो ल्यूनेटिक इफेक्ट भी बोला जाता है कि जब मून अर्थ के पास होता है तो लोग इमोशनल हो जाते हैं, कहीं लोग फियर भी फील करते हैं, कहीं लोग एक्साइटमेंट भी फील करते हैं, बट अल्टीमेटली हमारी इमोशन हाई हो जाती है। बिकॉज जिस तरह अर्थ पे रहा हुआ वाटर जो है वो एक्टिवेट होता है, उसी तरह हमारी बॉडी में भी जो वाटर है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए शायद गुजरात में जो है लोग पूनम के दिन डाकोर जी की पूजा के लिए जाते हैं, या तो चलते चलते 100-200 किलोमीटर पूनम भरने जाते, तो यही पर्पस था कि उस दिन हम लोग क्या करें, हमारी ब्रेन को प्रोग्रामिंग करें। कई लोग जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं उनको पता है कि हम हमारी ब्रेन को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और ब्रेन को प्रोग्रामिंग करके हम हमारी लाइफ को भी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यही यही पे महत्व है। और आज इसकी जो रिचुअल्स है वो भी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको उठ के पॉसिबल है तो सूर्योदय से पहले ही उठना है और किसी पवित्र नदी में स्नान करना है। और अगर मान लो आपके पास नदी में जाने का वक्त नहीं है या जियोग्राफिकली वो पॉसिबल नहीं है, तो आपके घर में गंगा जल हो सकता है, उसके कुछ बूंद पानी में डाल सकते हैं जो पानी से आप नहा रहे हैं। और उसके बाद में स्नान करने के बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, और जैसे हम सबको पता है कि हनुमान जयंती भी उसी दिन है, तो संकट मोचन हनुमान की भी हम पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की जो पूजा है
उनका करना बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है सत्यनारायण की पूजा के लिए। उसी दिन हम जो है भगवान विष्णु को फल है सुपारी, केले के पत्ते हैं, मौली है, अगरबत्ती है, चंदन का लेप लगाते हैं और प्रसाद बनाते हैं जो महाप्रसाद बोलते हैं, और बांटते हैं लोगों को, अपने परिवार को, आसपास के लोगों के लिए। और शाम को भगवान चंद्रमा है, उनको भी अर्घ्य देने की एक विधि है। जो लोग क्रिस्टल हीलिंग में मानते हैं उनको पता पता होता है कि उस दिन सारे क्रिस्टल जो है उनको हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। अगर आपके पास आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है और अगर आपको पता है कि मून का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, तो आप ये कर सकते हो कि आप खुद बनाओगे, जिसका चार्ट है, जिनको रिचुअल करना है खुद बनाना है। ऐसा नहीं कि घर में जो फीमेल है उनको ऑर्डर करेंगे आप। जो भी पर्सन लाइवलीहुड अपनी मेंटल कामनेस चाहता है उनको खुद खीर बनानी है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मून का जो प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है तो वो खीर को आप खुद खा सकते हैं, और अगर मान लो जो प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है या तो वो ऑस्पिशियस नहीं है, तो आप उस खीर को दान कर सकते हैं मंदिर या कहीं पे भी एज अ प्रसादी के तौर पे लिए सुबह में दे सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, मैंने जो लिंक दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहिए वहां पे आपका डिवाइन पाथ में डेटा डालिए, मैं आपको सारी डिटेल फॉरवर्ड कर दूंगा। और ऐसा माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा उसके दिन अन्नदान की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आप जो नीडी पर्सन है उनको कपड़े, मनी और उसके जीवन जरूरियात के लिए जो भी चीज है वो आप दे सकते हैं, और भगवान की अर्चना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, आज की तारीख में यूट्यूब भी अवेलेबल है। मैं आपको फिर से बता दूं, बॉलीवुड या हॉलीवुड के जो कलाकार हैं उनकी आरती मत सुनिए, जो शास्त्रीय लोग हैं जो बहुत ही शास्त्रोक्त रीत से जो भगवान की पूजा करते हैं, ऐसी चैनल से आप वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं या तो उनको बजा के कर सकते हैं अगर आपको संस्कृत नहीं आता आता है तो। और अगर आपको वहां पे भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे जस्ट डीएम कर दीजिए, मैं आपको जहाँ से मैं स्त्री विद्या सीखता हूँ या तो मेरे जो गुरु है ओम स्वामी उनके जो वीडियोस है वो भेज दूंगा, और उनका जो शुद्ध संस्कृत के हिसाब से उच्चार हुआ है वैसे ही मंत्रोच्चार के साथ अपनी पूजा करिए। अगर आपके सिटी में ब्राह्मण हैं अवेलेबल तो जरूर उनको बुलाइए, आमंत्रण दीजिए और उनसे पूजा करवाने की कोशिश करें, बरोबर है। और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यही चैत्र महीने में गुप्त नवरात्रि भी होती है, और ये नवरात्रि में जब आप 9 दिन माँ दुर्गा का वो पूजा अर्चना करते हैं, अगर उनका फास्टिंग करके उनकी प्रेयर करते हैं, उनकी ब्लेसिंग लाने की कोशिश करते हैं, तो माना जाता है कि जीवन में जो सारी कठिनाई है या दर्द है वो दूर करने के लिए हमें मदद करते हैं। और हम सबको पता है चैत्र महीना जो है वो हमारे लिए त्योहार का महीना है, क्योंकि उसी के बाद में वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, इसी के बाद होली आती है, फाल्गुन पूर्णिमा भी इसी महीने की शुरुआत से होती है। हमारा जो कैलेंडर है हिंदू धर्म का, ये भी ये महीने महीने से ही शुरुआत होता है, ये पहला महीना है। और ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र उसमें गुड़ी पड़वा भी इसी महीने में मनाया जाता है, तमिलनाडु में चिरिथिराई विशु या पुथंडू का जो त्योहार है वो भी इसी दिन मनाया जाता था, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उस उगाड़ी में के नाम से भी मनाया जाता है। और चैत्र नवरात्रि जो है रामनवमी है, भगवान राम की जो जयंती है, जन्म जयंती, वो भी 9वें दिन आती है, हनुमान जयंती वो आखिरी दिन को के लिए आती है। तो ये सारे त्योहार है, बंगाल में लोग चरक पर पूजा भी करते हैं, और इसी महीने में मदुरई में जो विश्व प्रसिद्ध चिथिराई थिरुविजा मंदिर है वहाँ पे भी पूजा होती है, और वेगई नदी के तट पे बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन किया जाता है। तो हम माने कि ये जो बहुत ही अच्छा टाइम है हमारे लिए, और ऐसा माना जाता है कि जो चैत्र महीना है उसी मंथ में ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, हम जो बिग बैंग की थियरी या जो भी मानते हैं, बट एज पर हिंदू शास्त्र यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो चैत्र महीना है वहां से भी भगवान ने जो थी भगवान ने शुरुआत की थी, शुक्ल पक्ष के पहले दिन ही जो पहला पखवाड़ा है ब्रह्मांड का निर्माण किया था। पहले उन्होंने ग्रह बनाए थे, फिर तारों बनाए थे, फिर ऋतु यानी कि मौसम बनाए थे, और धीरे धीरे और सारे जो लोग हैं वो जुड़ने लगे थे। तो हम ये प्लानिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको सारी चीज नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब से लेकर गूगल में बहुत सी सारी जगह पे भगवान सत्यनारायण का जो 1008 नाम है भगवान विष्णु के, विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा भी कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो उतना कर ही सकते हैं, तो इतना काम हमें करना ही करना है,
और आई होप कि आप लोग भी जो लोग देख रहे हैं आज हैं, और ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो जो लोग देखेंगे, ये मौका है बहुत ही अच्छा, ये हम लोग यूज करेंगे और हमारे साथ आसपास में जो भी लोग हैं उनको भी बेनिफिट करने के लिए कोशिश करेंगे।